जेल मुख्यालय भोपाल के पत्र के पालन में सर्किल जेल शिवपुरी के परिरुद्ध बंदियों के निजी स्रोत से खाद्य और आवश्यक सामग्री प्रदान किए जाने हेतु जेल कैंटीन का शुभारंभ दिनांक 5 अक्टूबर को जेल अधीक्षक मनोज कुमार साहू द्वारा किया गया। उक्त कैंटीन के शुभारंभ के समय जेलर दिलीप सिंह और जेल स्टाफ मौजूद रहा। बिस्किट, नमकीन सेवा, टोस्ट, मूंगफली दाने, भुने चने, पैर, गुड़, अचार प्रति सप्ताह 500 ग्राम खरीद सकेंगे। मौसमी फल प्रति सप्ताह 500 ग्राम खरीद सकेंगे। सलाद जैसे गाजर, मूली, टमाटर, ककड़ी, प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्ची प्रति सप्ताह 1 किलोग्राम खरीद सकेंगे। कॉस्मेटिक जैसे नहाने और कपड़ा धोने का साबुन, दंत मंजन, कंघी, फेस क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम, टैल्कम पाउडर, सिर पर लगाने का तेल प्रति सप्ताह 50 से 100 ग्राम खरीद सकेंगे। महिला बंदियों को शैम्पू प्रति सप्ताह 50 ग्राम दिया जाएगा। महिला बंदियों को धार्मिक कार्य हेतु सुहाग सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर आदि, बंदियों को धार्मिक कार्य हेतु पूजन सामग्री जैसे नारियल, धूपबत्ती, अगरबत्ती इत्यादि आवश्यकता अनुसार खरीद सकेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार साहू, जेल अधीक्षक, सर्किल जेल सुपुरी। बिल्कुल, एक्चुअल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कैंटीन की सुविधा तो सेंट्रल जेलों में दसवें महीने से चालू कर दी थी, और उसके बाद फिर सर्किल जेलों में निर्णय लिया गया। हमारी जेल का सहकारी समिति में रजिस्ट्रेशन कराया हमने, उसके पश्चात फिर 5 अक्टूबर को हमने कल इसका शुभारंभ चालू कर दिया। बंदियों को दैनिक यूज की चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, जैसे नमकीन होगा, बिस्कुट हो गया, और स्वच्छता का सामान भी रहेगा, साबुन, शैम्पू वगैरह जो भी अवेलेबिलिटी रहती है उनको MRP रेट पे चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, तो ये उसका उपयोग कर पाएंगे।